साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कृषि विभाग में प्रमोशन घोटाला। साकोली के तालुका कृषि अधिकारी ने बोगस प्रमाण पत्र के आधार पर लिया प्रमोशन। महाराष्ट्र राज्य के कृषि विभाग में विगत कई वर्षों से बोगस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमोशन घोटाला किया जा रहा है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 2012 को एमपीएससी के तहत कृषि विभाग में मुख्य परीक्षा ली गई थी, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के माध्यम से कृषि विभाग में कर्मचारी ने अपनी योग्यता के अनुसार परीक्षा पास की और प्रमोशन प्राप्त किया। लेकिन पता चला कि कुछ कर्मचारियों ने उनकी योग्यता के अनुसार एमपीएससी परीक्षा में चयन नहीं होने की वजह से बोगस प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा देकर प्रमोशन हासिल किया। इसी कड़ी के तहत एमएनएस न्यूज ने जांच करने की कोशिश की तो बड़े अधिकारी इसमें शामिल होने की बात सामने आई है। भंडारा जिले के साकुली तालुका कृषि अधिकारी काशीनाथ चौधरी नाम सामने आ रहा है। काशीनाथ चौधरी कृषि विभाग में नौकरी करते समय एमपीएससी की परीक्षा देने का कई बार प्रयास लिया, लेकिन बताते हैं कि उनका नंबर नहीं लगता था। तब काशीनाथ चौधरी ने शक्ल लड़ाकर उन्होंने कान की बधिरता का प्रमाण पत्र हासिल किया और उस आधार पर एमपीएससी की परीक्षा 2012 में पास की और प्रमोशन हासिल कर वे अभी साकोली तालुका कृषि अधिकारी के पद पर कार्य करता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि तालुका कृषि अधिकारी चौधरी ने 40-50% काम के बहरेपन का प्रमाण पत्र तो हासिल किया, लेकिन वे आवाज के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे। आम आदमी के तहत चौधरी को आवाज भी आती है और सरलता से बात भी करते हैं। यदि तालुका कृषि अधिकारी कान की बधिरता से त्रस्त है तो बिना मशीन लगाए उन्हें आवाज कैसे आती है, वे धीमी आवाज कैसे सुन सकते हैं। इसी संदर्भ में आरपीआई के नेता कैलाश गेडाम ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो बड़ा खुलासा सामने आया है। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। साकोली के तालुका कृषि अधिकारी चौधरी के अगेंस्ट में कैलाश गेडाम इन्होंने एक शिकायत की है। उनके शिकायतकर्ता का कहना यह है कि चौधरी कृषि अधिकारी एक कान के बहरेपन से त्रस्त है और जाली सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने सरकार का जो 3% का जो कोटा होता है उसका रिजर्वेशन जो होता है उस रिजर्वेशन के तहत उन्होंने अपनी पदोन्नति करके तालिका कृषि अधिकारी की पोस्ट हासिल की है। सरकार को उन्होंने फंसाया करके आरोप है। आइए हम ऐसे मिलते हैं जिन्होंने शिकायत की। हमारे साथ में कैलाश जी गेडाम साथ में है, आइए इनसे बात करते हैं। कैलाश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एमएनएस न्यूज़ में। और आपने जो शिकायत की है तालुका कृषि अधिकारी चौधरी के अगेंस्ट में, तो ये शिकायत किस बारे में थी और शिकायत करने के पीछे का मकसद क्या है और क्या कार्रवाई हुई है? ये तालुका कृषि अधिकारी साकुली जिनका नाम काशीनाथ गोरख चौधरी है, इन्होंने सन 2008 में भाऊसाहेब हिरे गवर्नमेंट कॉलेज और हॉस्पिटल धुड़े से एक 3% आरक्षण का जो मैटर है उस मैटर के तहत हेयरिंग इम्पॉर्टमिटी ये जो नाम की बीमारी होती है जिसको हिंदी में कान बहरेपना बोलते हैं, उसकी एक सर्टिफिकेट बनाई थी जिसका नंबर है उस कॉलेज के रजिस्टर्ड में 1337 और वह 17-2-2012 को ये इशू बताई जाती है। पर एक्चुअल में ये जो कृषि अधिकारी है जो हमारे साकोली में काम कर रहे हैं, ये कान के बहरे नहीं है, ईयरिंग इम्पॉर्टमेंटी नाम का इनको कोई बीमारी है ही नहीं, ये कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करते। ये साकुल तालुका के सारे जनता को कृषि खेती हर काम करने वाले लोगों को मालूम है कि इनको ठीक ढंग से सुनाई देता है। पर हमारा आरोप यह है कि इन लोगों ने ये झूठी सर्टिफिकेट बना के हमारे शासन का, महाराष्ट्र शासन का, कृषि डिपार्टमेंट का जो नुकसान किया है और ये नुकसान करके अब झूठी सर्टिफिकेट दी के ये नौकरी हासिल की है। इसलिए हमारा इस बारे में कहना है कि ये बोगस सर्टिफिकेट होने के कारण ये जब से 2014 से ये सर्टिफिकेट देकर जो प्रमोशन इन्होंने लिया कृषि अधिकारी करके, इस पद को रद्द किया जाए, इनको निलंबित किया जाए। और जब से इन्होंने ये सर्टिफिकेट दी है तब से ये जो शासन के इनसे पगार मिला है ये पगार की इनके तरफ से वसूली की जाए। इनके साथ साथ इस डिपार्टमेंट में मराठवाड़ा के ही विदर्भ में काम करने वाले कई मंडल अधिकारी है, कोई कृषि अधिकारी है, इन लोगों ने बोगस सर्टिफिकेट बनाया है। हमारे जानकारी में हमारे पास जो इनके पेपर पड़े, हमने आरटीआई के तहत इन्हीं के डिपार्टमेंट से इनकी सब जानकारी ली है। हमारे पास पेपर पड़े तो पेपर पड़े के तहत दिख रहा है कि कुल मिला के कोई कृषि डिपार्टमेंट में 18 लोग हैं जो सारे मराठवाड़ा से और विदर्भ में काम कर रहे हैं। हमारी मांग ये रहेगी कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले
27/12/2017 को मैंने ईस्ट महाराष्ट्र स्टेट के एग्रीकल्चर कमिश्नर जो है पुणे में जो बैठते हैं उनको ये कंप्लेंट लिखी थी। उसमें भी मैंने पूरी जानकारी जो मेरे को RTI में मिली है उसके तहत उनको लेटर लिखा था कि इन सारे सर्टिफिकेट की इन लोगों की जो काम कर रहे हैं उनकी चौकसी होकर हमारे मांग के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। पर 2017 से लेकर आज अब मार्च 2019 में अभी तक इन डिपार्टमेंट के कोई अफसरान ने कोई कार्रवाई की नहीं है। ताकि उसके बाद में हमने 27 अप्रैल 2018 को इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है उनको भी एक हमने निवेदन देके कंप्लेंट कार्रवाई की मांग की, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है। अब जाके हमने कई फेब्रुआरी महीने में नागपुर डिविजनल के जो JDA करके होते हैं इनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नागपुर जोन के ऑफिसर उनको भी हमने एक पत्र दिया, तो पत्र में हमने सारे डिटेल्स दिए हैं। जो हमारे पास इनके काशीनाथ गोरख चौधरी की सर्टिफिकेट है, अन्य लोगों के जो सर्टिफिकेट है वो भी हमने उस निवेदन के साथ जोड़ रखे हैं। साथ में यहाँ पर कृषि अधिकारी जो साकोले में काम कर रहे हैं, कोई खेत में मुलाकात के लिए जा रहे हैं, वहाँ की हमने फ़ोटो सबमिट की है। यही नहीं, हमारे ज़िले के जो जिलाधिकारी है अभी जो फिलहाल में यहाँ पर है हमारे गोयल साहब के साथ भी ये कोई फार्म विजिट पर थे, वहाँ की भी हमने फ़ोटो लगाई है। हमारा मांग यही रहेगी कि ये जो लोगों ने झूठी सर्टिफिकेट बना के 3% जो हैंडीकैप आरक्षण का जो कायदा महाराष्ट्र में है, एक्चुअली ये कायदा जो ये स्टेट गवर्नमेंट ने खुद होके बनाया नहीं है, ये GR है गवर्नमेंट के पास, जो GR में लिखा है कि ये जो है 3% हैंडीकैप आरक्षण का जो कायदा लगा है वो आंध्र प्रदेश राज्य के धरती पर लगा है, और उसी को मद्देनजर रखते उसी का आधार लेते इस गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने ये कायदा लागू किया। जब ये कायदा महाराष्ट्र में अमल आने का वक्त आया या अमल बजावनी शुरू हुई तब उसी टाइम ये काशीनाथ गोरख चौधरी ने यह अपने जिले के एक भावसाहब हीरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये झूठी सर्टिफिकेट बना के इस गवर्नमेंट में प्रमोशन प्राप्त किया है। MPSC एग्जाम में उस 2012 में यह गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर की MPSC एग्जाम हुई थी, उसमें इन सर्टिफिकेट के आधार पर हैंडीकैप के रिजर्वेशन के तहत एग्जाम में एंट्री प्राप्त की और उसी एंट्री के जरिए एग्जाम पास किए और उसी हैंडीकैप सर्टिफिकेट के जरिए रिजर्वेशन फैक्ट में जाके इन्होंने अपना प्रमोशन भी ऊपरी ऑफिसरों से सलाह मसलत या फिर ये कोई लेन देवान करके अपना प्रमोशन मिलाया हुआ है। आज यहाँ पर हमारी ये मांग है साकोली तालुका के तरफ से, काश्तकारों की तरफ से हमारी मांग है कि ये जो मराठवाड़ा के लोग हैं जो कोई 5 हो या 18 हो जिन्होंने ये बोगस सर्टिफिकेट के आधार पर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में क्लास 2 की जो पोस्टिंग पर ये लोग जो बैठे हैं इन्होंने झूठी सर्टिफिकेट के आधार पर ये नौकरी या प्रमोशन मिलाया हुआ है, इसलिए ऊपर से ये हमारे विदर्भ में होने के कारण जो 18 लोग बोगो सर्टिफिकेट वाले इनके कारण हमारे विदर्भ के नौजवान लड़कों का जो एग्रीकल्चर पढ़े PhD पढ़े उनका नुकसान हुआ, वो उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको कृषि सहायक करके नौकरी नहीं मिल रही। ये लोग है कि जिनको झूठी सर्टिफिकेट के आधार पर ये प्रमोशन मिला है। अब 2014 से हमारी मांग चल रही है तो 2014 से हम 19 में आ गए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी और ये मांग रहेंगे कि हमें गवर्नमेंट को हमारे तरफ से जो भी इनके खिलाफ में प्रूफ चाहिए हम इनको प्रूफ देने के लिए तैयार हैं और इस प्रूफ के आधार पर ये इंक्वायरी होना चाहिए, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। नहीं ये तो आप बिल्कुल आप मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल यस, जाइए आप बिल्कुल 100% जाइए। आप मुझे बताइए कि आपके बारे में सर एलिगेशन जो लगा हुए हैं आपका क्या कहना है इसके बारे में, मुझे बताइए। केवल आपके बारे में जो एलिगेशन लगाए हुए हैं मुझे आप बताइए, आप भागने की कोशिश मत करिए। नहीं नहीं, आपके बारे में जो आरोप लगाए हुए हैं आपकी जो सर्टिफिकेट जाली है करके जो प्रमोशन आपने लिया ये आरोप आपके ऊपर लगाए हुए हैं आपके बारे में, आप इस बारे में आपका क्या कहना है, बस मुझे आप ये चाहिए। नहीं नहीं, वो बात में देखेंगे क्या गलत है। आप कोर्ट में जाइए, मुझे कोर्ट की धमकी मत दीजिएगा, है ना। आप मुझे नहीं आप मुझे कोर्ट के मेरा काम है एज ए ब्यूरो चीफ मेरा काम है दोनों साइड चेक करना। मैं ये नहीं चाहता किसी के ऊपर अन्याय हो जाए। अगर बाजू गलत है दोनों फैक्ट्स क्या है ये मुझे पब्लिक के सामने लाना है। नहीं, ये कैसा ब्लैकमेल करना, ठीक है हम ब्लैकमेल करें, न्यूज कवर करने ब्लैकमेल अगर आपको लगता है तो यस मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ कि आपके बारे में जो आरोप लगे हुए हैं आपका उसके बारे में क्या कहना है, हाँ या ना। ये अगर आपको ब्लैकमेल लगता है तो यस मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं पब्लिक के डिमांड में मैं कर रहा हूँ। मुझे कोई आपको क्या पैसे की डिमांड मैंने किया, कोई पैसे मंगा आपको मैंने, फिर मुझे मेरे ऊपर आपने आरोप लगाया कि आप ब्लैकमेल कर रहे हो तो काय के बारे में ब्लैकमेल कर रहा हूँ मैं, मैंने आपको पैसे मंगाए, पैसे की डिमांड रखी है।
किस बारे में ब्लैकमेल किया हमने मीडिया ने आपको? कंप्लेंट हमारे पास में जो आई है, कंप्लेंट के बारे में केवल मैं आपको पूछ रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको नहीं जवाब देना तो आप वैसा कुछ बताइए, लेकिन आप हमको पत्रकारों के ऊपर ब्लैकमेल करने के आरोप लगा रहे हो, तो क्या मतलब? मैंने यस आपकी बात पूरी सुनी, लेकिन आपने जो ब्लैकमेलिंग के, आपने जो ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, तो मैंने क्या आपको पैसे की डिमांड की है? अरे क्यों नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट आई हुई है, सर्टिफिकेट दिलेला आहे, त्याचे व्हेरिफिकेशन झालेलं आहे, आणि व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर शासनाने मला अपॉइंट केलेलं आहे, त्याच्यामुळे डुप्लिकेट द्यायचा काही प्रश्नच येत नाही। आणि मी जे सादर केलं ते फोटो, आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ है आप उसको डिनाई कर रहे हो? काही एलिगेशन लगा, आप उसको डिनाई कर रहे हो? एलिगेशन लावलेले नाही, आप उसको डिनाई कर रहे हो? मी ज्या 100% डिनाई करतोय त्या व्यक्तीला मी ओळख सुद्धा नाही आहे, माझ्याकडे बोलणं सुद्धा झालेलं नाही, माझ्याकडे आलेलं नाही बोलत, ओळख सुद्धा नाही जाणे एलिगेशन। आपने जो आपके साथ साथ में जो बाकी के 18 लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो विदर्भ के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं 2012 के एमपीएससी के एग्जाम के बाद में, और जो डिसेबिलिटी जो आपने सर्टिफिकेट जो लगा के रखी है, ओके थैंक यू। अभी हम साकोली के तालुका कृषि अधिकारी के कार्यालय के सामने है। यहाँ के तालिका कृषि अधिकारी चौधरी के खिलाफ एक कंप्लेंट आ चुकी है कि उन्होंने 2012 के एमपीएससी के एग्जाम में बोगस सर्टिफिकेट लगाकर, मतलब बहरेपन की बोगस सर्टिफिकेट लगाकर इन्होंने एक अपना प्रमोशन हासिल किया और गवर्नमेंट को फंसाने की एक इनके अगर इसमें कंप्लेंट है। इसके बारे में हमने चर्चा करने की कोशिश की तो इनके बारे में न बताते हुए उल्टे पत्रकारों के ऊपर ही ब्लैकमेल करने का आरोप उन्होंने लगाया, कि जबकि आपकी बातें रखने में और शिक्षा में बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपना उनके ऊपर लगे हुए आरोप डिनाई करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन साथ साथ में पत्रकारों के ऊपर भी पैसे मतलब ब्लैकमेल करने का आरोप किया। इतने बेजवाबदार से उन्होंने अपना जवाब दिया है। हम यहाँ की पूरी तहकीकात करने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास में जो कंप्लेंट आ चुकी है कि कृषि विभाग में 2012 के एमपीएससी के मतलब डिपार्टमेंटली जो एमपीएससी के एग्जाम दी गई है उसमें महाराष्ट्र के अंदर जो जिनका सिलेक्शन हुआ हो चुका है उसमें से 18 लोग, एक दो नहीं पूरे के पूरे 18 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है जिनकी बोगस सर्टिफिकेट है। ये शिकायतकर्ता का कहना है, बोगस सर्टिफिकेट है, और 18 के 18 लोग पूरे विदर्भ के अंदर आज नौकरी पर काम कर रहे कृषि विभाग में। उसी तरह से साकोली में भी एक चौधरी नाम के जो तालुका कृषि अधिकारी, इनकी भी सर्टिफिकेट बोगस है। ये पुरावे हमारे पास में है, आने वाले दिनों में हम पुरावे भी पब्लिक के सामने रखने की कोशिश करेंगे। शिकायतकर्ताओं ने इस सारे पुरावे आरटीआई के माध्यम से अपने पास में जमा किए, लेकिन आज हमने जो तालुका कृषि अधिकारी को मिलकर पूछने की कोशिश की तो वो उन्होंने जवाब देने में इनकार कर दिया और अपने अरे रावी का प्रदर्शन यहाँ पर कर दिया। मैं निषाद लंजेवार, एमएनएस न्यूज भंडारा। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।